दोस्तों अगर आप न्यू यूट्यूबर हो तो आप भूल कर भी एक गलती मत कीजिएगा जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप एक गलती करते हो तो आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो नहीं सकता है, हो जाएगा। आप बातों को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो भाई आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद आप बस रोओगे, उसके अलावा कुछ नहीं करोगे, मजदूरी दिहाड़ी करोगे भाई उसके बाद, समझ रहे हो। तो प्लीज वीडियो को एंड देखिएगा एंड वीडियो के जो भी बात बताऊंगा, वीडियो में जो भी बात बताऊंगा प्लीज आप उसे ध्यान से समझिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस समय यूट्यूबर जो न्यू आ रहे हैं वो दूसरों का इतना कॉपी कर रहे हैं, वो अपना कुछ कॉन्टेंट डाल नहीं रहे हैं, दूसरे क्या बनाकर डाल रहे हैं। जैसे कि मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूं, वही कोई न्यू यूट्यूबर आ रहा है ना भाई, मिस्टर आदित्य ठीक, वो वीडियो बनाकर डाला है, उसका व्यूज अच्छा आ गया, तो भाई वही कॉपी करके डाल दूंगा। भाई इस तरह होगा? कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आप एक गलत फहमी अपने दिमाग में से निकाल दीजिए कि अगर आप किसी का कॉपी करके अगर आप YouTube पर डालते हो तो भाई आपका वो वीडियो नहीं चलेगा। बट एक गलती बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि भाई शुरू में ही वो ब्लॉग डालना स्टार्ट कर दे रहे हैं अपना। पहले मैं आपको बताता हूं कि पहले अपना फेस वैल्यू नहीं बना रहे हैं। देखिए पहले अपना जो फेस वैल्यू है वो पहले आप लोग क्रिएट कीजिए, उसके बाद ब्लॉग बनाएंगे ना तब वो चलेगा भाई, समझ रहे हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, हद से ज्यादा गरीब हैं, भाई मैं किसी को गरीब नहीं बोल रहा हूं, बट यहीं पर आप हद से ज्यादा गरीब है ना, अगर आप उस समय ब्लॉग बनाओगे भाई तो आपका ब्लॉग चल सकता है। अगर आप बहुत ही ज्यादा अमीर हो, हद से ज्यादा अमीर हो ना भाई, आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा हैवी है, अच्छा है, गुड है, तो भाई आपका वो ब्लॉग चलेगा, बहुत ही ज्यादा अमीर का एंड बहुत ही ज्यादा गरीब का। अगर आप हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर आप सोचते हो कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, एक कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, अपना फैमिली ब्लॉग बनाकर मैं कहीं जा रहा हूं, ट्रेवल ब्लॉग ही बनाकर मैं वायरल हो जाऊंगा, नहीं होगा भाई, जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, नहीं तो बनाता नहीं भाई, कसम से बोल रहा हूं मैं ये वीडियो बनाता नहीं। बट मैं आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले आप अपना फेस वैल्यू बनाइए किसी भी रिलेटेड में भाई, या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, कहीं पे भी आप अपना पहले फेस वैल्यू बना लीजिए, लोगों को पहचान में आना चाहिए आपका चेहरा, समझ रहे हैं। अगर आपका लोगों का चेहरा पहचान में नहीं आएगा तो भाई आपका ब्लॉग क्यों देखेंगे भाई, उन लोगों को ब्लॉग समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ घर है आपका, क्या करने वाले हो आप, वो आपको जानते तक भी नहीं है तो आपको ब्लॉग कैसे देखेंगे। पहले आप अपना फेस वैल्यू बनाइए। मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, अमरजीत एक सिंगर निकला है, बिहार से ही है भाई, उसका पहले ब्लॉग चलता नहीं था, ठीक है, एंड जैसे ही वो वायरल होता है, सोशल मीडिया पर वायरल होता है भाई, उसका सॉन्ग वायरल होता है, तो जैसे ही वो ब्लॉग बनाता है ना भाई, तो लाखों में व्यू जाता है, लाखों में, बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए, बस वो अपना फेस वैल्यू शुरू में बना लिया एंड उसके बाद अब कुछ भी डालेगा ना भाई, अपना ब्लॉग बनाकर कुछ भी करेगा ना भाई, उसका ब्लॉग चलेगा 100% चलेगा। तो भाई मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप शुरू में ब्लॉग मत बनाइए, पहले आप कोई भी कंटेंट बनाकर, आप कुछ भी से रिलेटेड बनाकर आप अपना फेस वैल्यू बना लीजिए, उसके बाद ही ब्लॉग स्टार्ट कीजिएगा। जिंदगी भर इसी तरह ब्लॉग डालते रह जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। यहीं पर आप लोग सौरभ जोशी, एलिस यादव एंड जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उन सबको देख सकते, वो फ्लाइंग बीस्ट इतने बड़े यूट्यूबर है ना, वो सब ब्लॉगिंग से ग्रो हुए हैं? नहीं हुए भाई, उनके पास पहले से कुछ और चैनल था, उससे बहुत ही ज्यादा ऑडियंस इनके ब्लॉग चैनल पर आ चुके थे, इसीलिए इनका ब्लॉग चैनल बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा ग्रो कर गया एंड ब्लॉग धीरे 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 डालते गए एंड इनका चैनल ग्रो होता गया। तो भाई शुरू का जो बूस्ट मिला ना, उनका सेकेंड फर्स्ट चैनल से ही मिला था। और जितने भी इसमें ब्लॉगर आपको दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों का शुरू का ये नहीं है कि भाई मैं ब्लॉग बनाते गया मेरा ब्लॉग वायरल होता जा रहा है, भाई ऐसा नहीं होता है। आप पहले आप अपना फेस वैल्यू बना लीजिए लोग, ताकि आपको पहचान सके, तब आप ब्लॉग डालोगे तो आपका ब्लॉग 100% चलेगा, नहीं तो आप जिंदगी भर इसी तरह करते रह जाओगे। भाई मेरा ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप इस तरह काम मत करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। दिखाओ कौन है।